Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. You all are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a glimpse what we will be covering today. Maritime sector के बारे में बात करेंगे. You can connect it with your GS paper 3 mains. काफी facts होंगे, data होगा जो आप use कर सकते हो अपने answer writing में. क्या challenges आ रहे हैं इस sector में, क्या future steps लिए जा सकते हैं, so that we will be taking care of. नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है, क्या इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाई इट इज इन न्यूज, जीएस पेपर 2. स्टेटस ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट क्या कहती है, पेपर 3 एंड प्रीलिम्स. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पेपर 3 अगेन, स्पेसिफिक मोर ओरिएंटेड लाइक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. एंड एक्सरसाइज सी विजिल अगेंस्ट प्रीलिम्स, अगेन प्रीलिम्स. सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. What you have to do? Mark your attendance. How? By liking this lecture. You'll give a thumbs up sign. उसे आपकी attendance mark हो जाएगी. Comment section you are having. Please share your feedbacks. Share these sessions with your friends. Those who are preparing for UPSC, whether SSC, State PCS, because these sessions are relevant for everyone. Shriram's IAS, you can trust the platform as it is serving the nation since 1985. India needs to build ships. देखो, इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है, अगर मैं बात करूं करंट स्टेटस, तो इंडिया की रैंक, वी आर 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री. वी आर मैनेजिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ट्रेड थ्रू द सी. अगर मैं ट्रेड वॉल्यूम की बात करूं, ट्रेड वॉल्यूम 90 लगभग अराउंड 95% जो इंडिया का ट्रेड है दैट मूव्स थ्रू इट्स पोर्ट्स. वी आर अ ग्लोबल लीडर इन शिप्स रिसाइकलिंग ऑल्सो. इसके बावजूद भी सी इंडियन कंपनीज जो हैं, दे ओन ओनली 1.2% ऑफ द वर्ल्ड शिप्स. जो इतना ज्यादा रिलायंस है ऑन द फॉरेन शिप्स, मतलब फॉर 95% ऑफ द ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होता है और कंट्रीज को पे करना पड़ता है टू यूज देयर वेसल्स. सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लेकर आई कि मैरिटाइम सेक्टर में ग्रोथ हो. कौन कौन से लेकर आई, जैसे आपको पता होगा, वी हैव मैरीटाइम इंडिया विजन, विजन 2030, ऐसे बहुत सारे. सागरमाला प्रोग्राम 2015 में आया था, इफ यू रिमेम्बर. ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. सागरमाला प्रोग्राम 2015 का है, राइट. ऐसे ही देयर नंबर अदर्स. बट देखो, जरूरत ये है कि वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन दिस सेक्टर. जिस तरीके से हमारे एम्बिशंस हैं, इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं, उसके हिसाब से हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे. यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आप अपने फ्यूचर जो आपके एम्बिशन हैं, गोल्स हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं. तो आज के टाइम पे जो शिप बिल्डिंग है वो डोमिनेट कौन सी कंट्री कर रही है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान. मतलब ये तीनों देश मिलकर दे होल्ड 93% ऑफ द मार्केट, राइट. तो फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे आपको यू नीड टू ब्रिंग आउट स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज. सी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इन्वेस्टमेंट मैटर क्यों करती है. Why this financing, why this investment in this particular sector matters? Why? क्यों करती है matter? Economic resilience चाहिए आपको, trade resilience, economic security. आपका freight cost अगर आप लगाओ तो logistic cost, $75 billion तो India pay करता है on in the freight cost, और ये बढ़ के $1,000 billion तक पहुंच जाएगी.
यू अवॉइड दीज राइजिंग शिपिंग चार्जेस. जब ये शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब्ड होते हैं, जैसे रेड सी क्राइसिस आ गया और आप डिपेंडेंट हो किसी फॉरेन शिप पे, यूक्रेन वॉर है, मिडिल ईस्ट में टेंशंस हैं, रूट्स पे इंपैक्ट पड़ता है, और आप किसी और कंट्री पे रिलाई करते हो, तो इट क्रिएट्स इकोनॉमिक रिस्क. पहला यही हो गया. दूसरा, देखो तो सही आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ हो. यू हैव अ ग्रोइंग, यू नीड टू ब्रिंग अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन. चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है थ्रू इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. ऐसे ही आपको भी अपने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा. उसका जो रोल है, स्ट्रैटेजिक रोल है इंडो पैसिफिक के अंदर, राइट. यू हैव अ स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड यू हैव टू गो विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू सपोर्ट योर स्ट्रैटेजिक रोल इन दैट. आपकी यंग पॉपुलेशन है, लार्ज यंग वर्कफोर्स है, यू कैन ऑफर स्ट्रॉन्ग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू देम. जापान डोमिनेट कर रहा है सेक्टर में, और जापान फेस कर रहा है एजिंग पॉपुलेशन, राइट. देन इन्वेस्टमेंट जरूरी है बिकॉज वी वॉन्ट टू गो अहेड विद ग्रीन शिपिंग. इंडिया का एम है टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस. ग्रीन शिपिंग हो, इको फ्रेंडली पोर्ट्स हो, शिप्स हो, मैरिटाइम सेक्टर और ज्यादा सस्टेनेबल होगा. हरित सागर इनिशिएटिव, ऐसे सरकार ने बहुत स्टेप्स लिए हुए हैं. फिफ्थ, ऑब्वियसली यू वांट टू बी सेल्फ रिलायंट. आप किसी और देश पे डिपेंडेंट क्यों होना चाहोगे. आत्मनिर्भर भारत, बिल्ड मोर शिप्स लोकली. राइट. So, अगर आप मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, इट इज अ स्ट्रैटेजिक मूव फॉर इंडिया टू ग्रो इट्स इकोनॉमी. यू कैन इंक्रीज योर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यू कैन प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, यू कैन बिकम सेल्फ रिलायंट, यू कैन ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, यू कैन सपोर्ट इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, यू कैन सिक्योर योर ट्रेड रूट्स, यू कैन ब्रिंग फॉस्टर पार्टनरशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज. तो फिर दिक्कतें कहां आ रही हैं. Why it is difficult to grow the shipping sector? Why it is difficult to compete globally? What are the challenges that you are facing? पहला तो वही है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हाई कॉस्ट है, राइट. Ships are not officially classified as infrastructure in India. Financing hard ho jati hai phir. India ke ports kitna lagate ho aap ki, ye kitna process karte honge, matlab operations mein agar aap dekho. So they process 1.4 billion tons of cargo yearly. Lekin ye slow hai as compared to international standards. सी, वर्कर्स चाहिए जो कि स्किल्ड हो, स्पेशलाइज्ड हो. यहां वी ऑल्सो लैक. आपके पोर्ट्स दे आर बिहाइंड इन अडॉप्टिंग द स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन टू मेक थिंग्स स्मूदर एंड एफिशिएंट. और ना एक ये है कि बहुत देर आर रेगुलेटरी बॉडीज जो है ना, मतलब डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज आर ओवरसीइंग द इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर. तो डिले होता है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते हैं. और ऑब्वियसली इंडिया जो आपके स्ट्रांग मैरीटाइम नेशंस हैं, जैसे चाइना है, यू कम्पीट विद दैट. आपकी कोस्ट लाइन कितनी है, 7500 किलोमीटर्स की है. इतनी वास्ट कोस्ट लाइन है, बट यू अंडर यूटिलाइज योर कोस्टल रूट्स. इतनी बड़ी कोस्ट लाइन और कोस्टल शिपिंग कितनी है, इट मेक्स अप ओनली 6% ऑफ द डोमेस्टिक फ्रीट मूवमेंट जो होते हैं. सो ये सारी दिक्कतें हैं. एंड व्हाट कैन बी डन, जो यही है, पोर्ट की डेवलपमेंट करो, मॉडर्नाइज करो उनको, कनेक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव करो, ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव लेकर आओ,
use solar and wind power. Ports should rely more on these renewable energy sources to reduce the carbon footprint also. Skilled and you basically bring specialized courses, you can say. You set up innovation labs at the universities, right? You encourage private investment. You improve port efficiency. These all things can be done. ठीक है. Before moving ahead with the next article, if you are looking for any course that builds a strong foundation for polity, you have these sessions. Number of series are going on. Other series are also on this platform. You can refer them for your preparation based on your need. Do subscribe to the channel so that you get the notification of every session that gets published on the platform. Moving ahead with the next article, हाल ही Ministry of Textiles has approved 12 research projects under National Textile Mission. तो जो total number है research projects का जो approve हो गए हैं वो बढ़ के हो गया है 168. इसके context में National Technical Textiles Mission की बात करते हैं. Technical Textiles, Ministry of Textiles के अंदर आता है. टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करना, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये इसका काम है. इसका एम है टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन द टेक्निकल टेक्सटाइल्स बाय 2024. चार साल का इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड था, 2023-24 तक. क्या है इसमें? इसमें ना चार कॉम्पोनेंट्स हैं. पहला रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट. रिसर्च इज कंडक्टेड इन एडवांस लैब्स, IIT, CSIR labs. मकसद क्या है? To create high performing technical textile products. और जो आपके existing ones हैं उनको improve करना. दूसरा है market भी तो होनी चाहिए for technical textiles. कैसे लाओ? Through international partnerships. You promote make in India initiatives. You encourage investment. फिर एक्सपोर्ट भी करना है तो उसके लिए यू हैव क्रिएटेड दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ताकि इट हेल्प्स यू टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स ग्लोबली. इसमें इस फील्ड में एजुकेशन भी तो चाहिए, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, राइट? सो जब मैं ये टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करती हूं तो आप इसे क्या समझते हो? अगले आर्टिकल पे बाद में आऊंगी. पहले आप ये, आपने टेक्निकल टेक्सटाइल्स वाला आर्टिकल देखा. What do you mean by TT, technical textiles? देखो, जैसे clothing के लिए और decoration के लिए जो fabric आप use कर रहे हो वैसा नहीं है. Technical textiles special purpose के लिए ही बनाई जाती हैं. They are made for functional purposes. They are valued for their performance only. मतलब durability ज़्यादा, flexibility, resistance to the elements. मुझे कैसे, अच्छा सुन, जो चीज़ सुंदर दिखती है वो उतनी ही उसके पीछे गोलमाल होता है ना. लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल्स रेदर देन फॉर हाउ दे लुक, दे आर वैल्यूड फॉर देयर परफॉर्मेंस. कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, दे आर यूज इन एग्रीकल्चर प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह. सेफ्टी गेयर दे आर यूज इन, राइट? स्पोर्ट्स में, स्पेस ट्रेवल में, जैसे सीट बेल्ट्स हैं, मॉस्किटो नेट्स हैं, दे आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल. सैनिटरी नैपकिन, हेलमेट्स, टी बैग्स, फिल्टर पेपर्स, दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन रेदर देन देयर अपीयरेंस. एंड इंडियन इकोनॉमी, सी दिस मिशन इज सपोर्टिंग इंडियाज इकोनॉमी बाय बूस्टिंग दिस टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाओ, प्रोडक्ट्स बढ़ाओ, क्रिएट करो डेली लाइफ के इंडस्ट्री एसेंशियल एरियाज जो हैं उसके, ताकि ऑब्वियसली उसको आप उसको एक्सपोर्ट भी करो एंड यू हैव अ ग्लोबल मार्केट. एक रिपोर्ट आई है, कहाँ से? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से. नाम क्या है? स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट. क्या कहती है ये रिपोर्ट? इसके हाइलाइट्स देखते हैं. ये बोल रही है कि 2024 वाला जो ये साल रहा है, इट इज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. COP29 के दौरान बाकू में इट वॉज रिलीज्ड. ठीक है, जनवरी से सितंबर इस साल जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रहा है, इट वॉज
1.54 डिग्रीज अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। एल नीनो वेदर पैटर्न्स होने के चलते और भी ज्यादा चीजें बूस्ट हो गई। ये कह रहे हैं 2015 से 2024 का जो ये टाइम रहा है, ये वार्मेस्ट 10 ईयर्स रहे होंगे ऑन रिकॉर्ड। ओशन वार्मिंग रेट्स बढ़े, देखो 23 की अगर बात करो तो ओशंस रीच रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स, और 2024 भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। मैं नहीं कह रही, आर्टिकल कह रहा है ओशंस विल एब्जॉर्ब 90% ऑफ द एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। वार्मिंग होगी और ज्यादा एट अलार्मिंग रेट्स। दिक्कत भी है, मैरीटाइम लाइफ, मैराइन लाइफ इफेक्ट होगी, वेदर पैटर्न्स इफेक्ट होंगे, कोस्टल कम्युनिटीज इफेक्ट होंगी। 2023 में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और 2024 वही ट्रेंड फॉलो करेगा। ग्लेशियर्स आर लूजिंग द आइस एट एन एक्सिलरेटिंग रेट। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक्सट्रीम मेल्टिंग हो रही है और सी से सी लेवल बढ़ता है। अगर आप देखो 2014 से 2023 के अंदर सी लेवल रोज एट अ रेट ऑफ 4.7 mm पर ईयर, जो कि 1993 से 2002 तक के रेट में अगर आप देखो तो वो डबल है उससे। ये सब मैटर करता है, मैं इस आर्टिकल पे अभी आऊंगी, बट ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये रिपोर्ट, मतलब इट इज शोइंग अ स्टार्क पिक्चर कि सी इफ यू लाइक इट और नॉट, बट वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रू देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन दे आर हीटिंग अप द प्लैनेट। ग्लेशियर मेल्टिंग, ओशन वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल, इट विल इम्पैक्ट द इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन सोसाइटीज, अगर हमने सीरियस एक्शन नहीं लिए। आप खुद से ही शुरू कर दो, एक छोटा सा स्टेप ले लो, मार्केट जाना है तो सब्जी प्लास्टिक बैग में नहीं लानी, बस आप करोगे चार लोग और करेंगे, कहीं से तो शुरुआत करो। अरे दिवाली पे डोंट बर्न क्रैकर्स, दिए जलाओ, लाइट्स लगाओ, यहीं से ही शुरुआत है। छोटे छोटे स्टेप्स आपको अपने एंड पे भी लेने पड़ेंगे, आपको ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज क्लेम्ड दैट द कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट चीता इन द कूनो नेशनल पार्क हैव प्रूवन टू बी अ सक्सेसफुल एंडेवियर बाय द सेंटर। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है ये जो प्रोजेक्ट चीता है जो कूनो नेशनल पार्क का रहा है, जहां सबको पता है प्रोजेक्ट चीता हम चीता लेकर आए, इट हैज प्रूवन टू बी अ सक्सेसफुल एंडेवियर। जो भी सेंटर ने कदम लिया इट वॉज सक्सेसफुल, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है, 1982 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत इसे बनाया गया। उत्तराखंड देहरादून के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, मतलब ये लोकेटेड है, और राजा जी नेशनल पार्क के साथ इसकी बाउंड्री भी लगती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, एकेडमिक कोर्सेज ऑफर करना, एडवाइसरी की तरह काम करना इन दी वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये इसका काम है। रिसर्च में इट इज एक्टिवली एंगेज, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इश्यूज के अंदर, सो बिल्ड अप द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। रिसर्च कैरी आउट करना, इंफॉर्मेशन देना, एडवाइस देना, पर्सनल ट्रेन करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करना और बेटर मैनेजमेंट, बेटर रिसर्च एंड बेटर ट्रेनिंग, वो इसका काम है। वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए इट हैज डेवलप्ड एज अ रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि इट कैरीज आउट रिसर्च वर्क इन वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी, बायोडाइवर्सिटी, पॉलिसी रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, एंडेंजर्ड स्पीशीज को लेके, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को लेके, इको डेवलपमेंट, ये सारा कुछ। कौन चेयर करता है? यूनियन मिनिस्टर। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंटर से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी, इंस्टीट्यूशन से भी और एकेडेमिया से भी। 20 और 21 नवंबर को इंडियन नेवी फोर्थ एडिशन कंडक्ट करेगी ऑफ दिस एक्सरसाइज सी विजिल 24, पैन इंडिया
कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है ये। छब्बीस ग्यारह का जो अटैक हुआ उसके बाद कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करना, कोस्टल सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाना, सो दिस सी विजिल टेस्ट इट स्ट्रेंथन्स इंडियाज कोस्टल सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो ये एक्सरसाइज लॉन्च ही 2018 में हुई थी एज अ रिस्पॉन्स टू दिस नीड फॉर बेटर सिक्योरिटी आफ्टर दिस मुंबई अटैक। ये इंश्योर करती है दैट स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट इंडियाज कोस्ट लाइन, कोस्टल एरियाज, दे आर इफेक्टिव। इसके अंदर 6 मिनिस्ट्रीज, 21 अलग अलग एजेंसीज, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब साथ में आती है। ठीक है, कैसे आप कोस्टल एसेट्स की सिक्योरिटी को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो, ये कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंक्लूडिंग द कोस्टल पॉपुलेशन एज वेल। तो इस बार की जो पार्टिसिपेशन होगी बाय इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, प्लान डेवलपमेंट होगी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, इट हैव एनहांस द टेम्पो ऑफ दिस एक्सरसाइज। फोकस क्या रहने वाला है? प्रोटेक्ट द इंपॉर्टेंट कोस्टल एरियाज, फिशिंग कम्युनिटी को भी एंगेज करो, लोकल्स को भी एंगेज करो, मैरिटाइम सिक्योरिटी, कोस्टल कम्युनिटीज को उनके अवेयरनेस रेज करो उसके बारे में, फिशिंग कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो, कोस्टल पॉपुलेशन को, स्टूडेंट्स को फ्रॉम एनसीसी, राइट? सो दिस एक्सरसाइज इज कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियन नेवी, इट स्टैंड आउट एज अ नेशनल लेवल इनिशिएटिव जो एक होलिस्टिक अप्रोच देता है, एंड इट सर्व्स एज अ प्रिकर्सर टू थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी ही कंडक्ट करती है बट बाय नेवी। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस वॉज द होल टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टूडे। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो। स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, बट वट एवर वी आर कवरिंग प्लीज डू रिवाइज इट। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन डू सब्सक्राइब टू श्री राम आईएएस। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।